जी हाँ, ईशा मालविया और समर्थ जुरेल को बेड में एक ही बेडशीट के अंदर देख भड़की हैं ईशा की मॉम। ईशा की मॉम का न केवल समर्थ की हरकतों पर गुस्सा फूटा, बल्कि इसके साथ साथ ईशा की मॉम ने ईशा और अभिषेक के ब्रेकअप पर भी बात की। ईशा मालविया की मॉम ने अपनी बेटी को रोते हुए देखकर कहा, सलमान खान को ईशा को टारगेट करते हुए देखकर कहा, ईशा ने अभिषेक को छोड़ना एंजॉय नहीं किया, ना ही ईशा ने किसी के दिल के साथ खेला है, वो बेचारी तो सिर्फ इज्जत और प्यार ढूंढ रही थी, राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ढूंढ रही थी, इसलिए उसने अभिषेक को छोड़ा। #StayStrongIsha। ईशा की मॉम ने आगे समर्थ जुरेल की हरकतों पर कहा, लोग ईशा को फुटेज के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो तो बेचारी लॉयल है, ब्रेव है, विश्वास करने के लायक है, लेकिन वो लोग जो ये क्लेम करते थे कि वो ईशा से प्यार करते हैं, ईशा की इज्जत करते हैं, वो ईशा को डिजर्व ही नहीं करते। जी हाँ, ईशा की मॉम को लगता है कि समर्थ कर रहे हैं ईशा को फुटेज के लिए एक्सप्लॉइट। वेल, बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि कल जब समर्थ ईशा के साथ बेडरूम में थे, एक ही बेडशीट के अंदर थे, तब पहले समर्थ ने कैमरे को देखा कि कैमरा उन्हें देख रहा है, उसके बाद उन्होंने बेडशीट से खुद को और ईशा को कवर कर लिया। इसके साथ साथ समर्थ ये बात खुद भी कह चुके हैं कि मैं ईशा के लिए सीरियस नहीं हूँ, कोई दूसरी लड़की मिलते ही मैं ईशा को छोड़ दूंगा। मगर मॉमी मालविया, ये समझदारी तो ईशा में होनी चाहिए थी कि कोई उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। समर्थ तो गलत है ही, मगर गलती तो ईशा भी कर रही है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।